हर हर महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती मैया के चरण में प्रणाम, गणपत ललनवा के चरण में प्रणाम, सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, ये बहुत सुंदर कथा है, इसे पूरा सुनिए, आधी नहीं। आधा सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, कथा का रहस्य जान का आनंद लीजिए। एक ब्राह्मण थे, वो बेचारा बहुत गरीब थे, इतना गरीब कि जिनमें उनका दो वक्त का रोटी भी नहीं जुट पाता था। लेकिन जब उस ब्राह्मण को एक लड़का पैदा लिया तो उनके मन में हौसला जागा कि अरे मेरा एक लड़का हुआ है, ये बहुत लाड़ प्यार से उसको पाले पोसे। जब बच्चा बड़ा होने लगा तो ब्राह्मण बहुत दूर दूर जा के भीख मांगने लगे, इतना दूर दूर कि उसमें बच्चा का कपड़ा लता, पढ़ाई लिखाई, घर परवरिश अच्छा से हो सके। बहुत दूर दूर जाकर पूजा पाठ करवाने लगे, बहुत मेहनत किए। उनके पास थोड़ा पैसा हो गया, जब पैसा हो गया तो बच्चे को अच्छा जगह भेज दिए पढ़ने के लिए, ज्योतिष विद्या पढ़ने के लिए भेज दिए। और बच्चा जब वहाँ जा के पढ़ाई किया तो ज्योतिष विद्या में झूठ नहीं बोलने का था, वो बेचारा अव्वल नंबर लाए, फर्स्ट हर चीज़ में, हर जगह फर्स्ट उनको आया, अव्वल नंबर आया। जब अव्वल नंबर आया तो घर पे आए तो अपने माता पिता को बताएं, माता पिता उनके बहुत खुश हो गए और बधाई दिए और बोले कि ठीक है बेटा, से जरा जजवान के यहाँ जाके पूजा पाठ करवा दो और जो भी नेग होगा वो नेग ले के आ जाना। वो बेचारा पूजा कराने जाते थे लेकिन झूठ बोल के नेग नहीं लेते थे, वो जो भी बोलते थे कि जो भी आपको देना है दे दीजिए, हमें घर जाना है। जो भी होता था, बहुत लोग होते हैं कि ले लीजिए एक रुपया, सवा रुपया, आठ आना, चार आना, ऐसे करके कहते थे। वो बेचारा खाली हाथ कभी आ जाते थे, पंडित जी पैसा नहीं है, जाइए बाद में दे देंगे, ये बेचारा कुछ नहीं बोलते थे, आ जाते थे, क्योंकि इनको झूठ बोलने का नहीं था। वैसा ही करते करते इनको जब शादी हो गया और माता पिता असमर्थ हो गए, जब असमर्थ हो गए, वो कमाने लायक घूमने लायक नहीं रहे, तो माता पिता बोले कि बेटा अब तो खर्चा भी बड़ा हो गया है, परिवार भी बड़ा हो गए हैं, और तू तो कुछ करता है नहीं है, इतना पैसा लगाए, पढ़ाए लिखाए, जाओ देश प्रदेश जाओ और जाके कुछ कमा के धन ले आना बेटा, ऐसे परवरिश हम लोग का नहीं होगा, कुछ दिन के बाद अगर जो हम मर जाएंगे तो तुम कैसे कर पाओगे, अभी तो थोड़ा मोड़ा हम कुछ कर लेते हैं। ऐसा जब पिताजी बोले तो इनको लगा कि ठीक है, जाते हैं कमाने। वो बेचारा घर से निकल गए, अपने पत्नी को बोले कि देखिए कुछ हमको रास्ते का खाना दे दीजिए बना के, रास्ता में कुछ खा लेंगे, जो कोई काम मिलेगा तो हम काम कर लेंगे। इनके पत्नी खाना दे दिए बना के, चार रोटी, और जब चार रोटी दे दिए तो ये लेकर चल गए। रास्ता में चलते 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 बहुत दूर चल गए, पूरा दोपहर का समय हो गया, इन्हें बहुत ज़ोर से भूख और प्यास लग गया। जब भूख और प्यास लग गया तो जंगल के करीब पर चल गए थे, वहाँ जंगल पड़ रहा था रास्ते में। ये बेचारा सोचे कि थोड़ा जंगल में जा के देखते हैं, कुछ कुआ या मिल जाएगा तो पानी उनी का व्यवस्था रहेगा, तो वहाँ पर भोजन कर लेंगे और थोड़ा देरी आराम करके दिन नीचे गिरेगा तो हम वहाँ से निकल जाएंगे। वो बेचारा जंगल में जब घुस गए तो देख रहे हैं कि एक बहुत सुंदर पीपल का पेड़ है। ये बेचारा पीपल के पेड़ के छाँव में जब बैठने गए तो देख रहे हैं कि एक कुआँ है, लेकिन इनमें क्या था, ये ज्योतिष विद्या पढ़े थे तो बहुत बड़े पुजारी थे, सब देवी देवताओं का पूजा करते थे और इन पर सब देवी देवताओं खुश हो जाते थे। ये बेचारा बहुत बड़ा भक्त थे भगवान का, ये प्रतिदिन भगवान का पूजा करते थे, किसी चीज़ भी भोजन करते थे तो पहले भगवान के नाम से भोग लगाते थे, चाहे सूखे रोटी हो या सत्तू हो,
या दाल चावल हो या खीर तस्मई हो, कुछ भी हो, ये पहले भगवान का भोग लगाते थे। ये बेचारा गए वहाँ जंगल में, पीपल का पेड़ के नीचे देख रहे हैं कि एक कुआं भी है, एक बाल्टी भी रखा हुआ है, एक बाल्टी भी रखा हुआ है। तो ये देख सोचे कि अरे एक बाल्टी है, इसे क्यों ना हम पानी पी लें और खा लें। ये बेचारा रोटी निकालें, रोटी निकालें, एक रोटी का चार भाग लगाएं और चार भाग लगा के और वहाँ पर भोग लगाएं, भोग लगाएं एक रोटी में चार भाग लगा के सब देवी देवताओं के नाम से, और भोग लगा के ये बेचारा भोजन करने लगे। जब भोजन करने लगे तो एक रोटी जब बच रहा था तो देख रहे हैं कि एक गाड़ी आया, उस पे चार साधु सवार हैं, चार साधु सवार है उसी पीपल के पेड़ के नीचे, वो भी चारों उतर गए। जब उतर गए तो ये बेचारा भोजन छोड़ दिए और उन्हों देखने लगे कि कौन है। देख रहे हैं कि उन साधु में से मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ाई किया था। ये देख के बेचारा हंस पड़े और बोले, अरे भाई आप साधु का रूप क्यों धारण कर लिए हैं। वो बोलते हैं कि अरे भाई तू इस जंगल में क्या कर रहे हो। ये बोल रहे हैं, क्या कहूँ, हम कमाने को लिए निकले हैं, कुछ कमाएंगे, दो पैसे का उन्नति करेंगे। ये भी बोले कि अरे भाई हम भी तो वही करते हैं, हम भी कमाते हैं, हम भी दो पैसा का उन्नति करते हैं अपने बच्चे को लिए, इसीलिए हम भी साधु का रूप धर लिए हैं। बोले ठीक है। ये पूछे कि भाई तुम्हारे पास भोजन और बच रहा है। ये बोले क्या कहें, मेरे पास एक रोटी है, अगर जो आपको चारों को खाना है तो इसमें से खा सकते हैं। ये बेचारे फिर एक रोटी को चार भाग कर दिए और एक रोटी के चार भाग करके और चारों के कोना कोना खिला के पानी पिला दिए कुआं से निकाल के, और चारों इनका मित्र बन गए, चारों मित्र बन गए। वो बोले कि चलो मेरे साथ और हम मांगेंगे, तू जमा करना। बोले ठीक है। ये बेचारा किसी के दरवाजे पर जब सब चारों गए तो ये भी गए तो वहाँ कह रहे हैं कि अरे बहुत बड़ा जग हो रहा है, एक भगवान का बहुत बड़ा मंदिर बना है, हम लोग मांग मांग के बनाए हैं और वही मंदिर के निर्माण के लिए हम जग करवा रहे हैं, और ये तारीख वो तारीख झूठ मूठ कह के मांगने लगे। जब मांगने लगे तो ये बेचारे सोच रहे हैं कि अरे ये तो नियम का विरोध है, इन लोग तो झूठ मूठ कह के मांगते हैं। ये अपने दोस्त से बोले कि भाई आप लोग कहते हो झूठ मूठ बोल के भीख मांगते हो, इन लोग से बोरा भर के दे देते हैं लोग, ये गलत है। ये बोले नहीं नहीं गलत कुछ नहीं है, किसान के पास बहुत अनाज है, पैसे वाला के पास बहुत पैसा है, हम लोग मांगेंगे और अपना परवरिश करेंगे, से झूठ बोलना पड़ता है। ये बोले मुझसे नहीं होगा। ये जो दोस्त थे इनका जो साथ में पढ़े थे वो बोले कि ठीक है तुमसे नहीं होगा तो साथ में रहना, तुम्हें भागीदारी बना देंगे हर चीज़ का। बोले ठीक है। बेचारा दो चार दिन साथ में रहे और जब हिस्सा बांटने लगा तो इन्हें भी मिल गया, तो वो जो तीन और थे उन्हें जलन होने लगा, वो जलने लगे कि अरे हम मेहनत करते हैं और इसे भागीदारी बना दिया, नहीं ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन उन लोग मांगते थे तो ये बेचारा बोरा भी तो टांगते थे, लेकिन वो नहीं समझे। ये तीनों साधु आपस में प्लान किए कि अरे इसे ऐसा करो हम लोग कि ये मर जाए, इस धरती पर ही ना रहे, नहीं इस धरती पर रहेगा और नहीं हम लोग का हिस्सा बटेगा। ये तीनों बोले कि देखो वो जो पहाड़ है ऊंचा वाला उस पर इसको किसी तरह से भेज दो, और भेज दो और वहाँ बोलो कि वहाँ हाथ जोड़ के बैठना, वहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग निकलेगा, एक मंदिर बन जाएगा, बहुत अच्छा मंदिर बनेगा, जो सात रात सात दिन कहीं पर तपस्या कर लेता है भूखे प्यासे, वहाँ पर उसके लिए जो सच्चे मन का शिव का भक्त रहता है उस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, दर्शन देते हैं। ये बेचारा तो भगवान का पुजारी थे ही, इनसे बोले तो ये तैयार हो गए, तैयार हो गए और बोले कि भाई हम जाके तपस्या कर लेंगे और जाके हम भगवान की आराधना करेंगे, भगवान अगर जो दर्शन दे देते हैं हमको तो उससे बड़ा मुझे कुछ नहीं है,
भगवान का दर्शन हो जाएगा तो जीते जी हम स्वर्ग चल जाएंगे, मुझे धन का लालच नहीं है। ये बेचारा ऐसा कह के और सुन के चल गए। जब पहाड़ पर चल गए तो ये बेचारा, इन्हें ये तीनों साधु भी चल गए और वो जो दोस्त थे उन्हें पीछे कर दिए, उनको नहीं बताए कि हाँ तुम्हारा दोस्त का हम ऐसा कर रहे हैं। तीनों साधु मिल के ले जा के वहाँ बैठा दिए और बोले कि भाई ऐसा करो कि आँख मून के और तू बैठ जाना हाथ जोड़ के, जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे तब तक तू अपना आँख नहीं खोलना, भगवान तुमसे अपने आप बोलेंगे तब आँख खोलना। ये बेचारा झूठ बोलने का मरम नहीं जानते थे, इन्हें लगा कि हमें सच कह रहे हैं। ये बेचारा हाथ जोड़ के और भगवान का आराधना करने लगे। जब आराधना करने लगे, भगवान का ध्यान में लग गए, तो इनका 7 रात 7 दिन बीत गया, बिना अन्न पानी के भूखे रहने लगे। और जब भूखे रहने लगे, ये साधु जो तीनों थे वो रोज़ 1-2 बार जाके देखते थे कि मरा है या जिंदा है, रोज़ देखते थे। जब 7 रात 7 दिन बीत गया तो शंकर भगवान सोच रहे हैं कि अरे ये तो बेचारा मेरा भक्त इतना बड़ा है, ये मर जाएगा, यदि हम इसे प्रकट नहीं होकर दर्शन देंगे तो ये तो बेचारा जीते जी मर जाएगा, ये मुझे पाप लगेगा, मेरा पूजा कोई नहीं करेगा, अब हमें दर्शन देना पड़ेगा। वहाँ पर शंकर भगवान ऐसा सोच के और जब चलने लगे तो उनसे पार्वती कह रहे हैं कि महाराज दर्शन देने से क्या होगा, आप दर्शन दीजिएगा तो उसका परवरिश हो जाएगा। शंकर भगवान बोले परवरिश तो नहीं होगा लेकिन आत्मा संतुष्टि हो जाएगा। ब्रह्मा जी उनसे बोल रहे हैं कि शंकर तुम में शक्ति है तो जाओ अपना शिवलिंग प्रकट करो वहाँ पे और अपने जटा से जल उस पर गिराओ और उसे दर्शन दो, बोलो कि हम तुम्हारे पास आ गए हैं, आँख खोलो। बोले ठीक है। वहाँ गए शंकर भगवान और शंकर भगवान गए तो वहाँ जो पहाड़ था वो पहाड़ फट गया, पहाड़ फट गया और फट के एक बहुत सुंदर शिवलिंग निकल गया। बहुत मोटा बहुत बड़ा शिवलिंग, सुंदर सा शिवलिंग निकला और उसे पहाड़ से जो फटा था वो झरना की तरह शंकर जी पे पानी गिरने लगा। जब पानी गिरने लगा तो ये बेचारा वहाँ पे बैठे थे शायद, तो इन पे भी पानी पड़ने लगा और शंकर भगवान प्रकट होकर बोले उठो पुत्र, मुझे आँख खोल कर देखो, हम तुम्हारे सामने आ गए हैं, एक बार आँख खोल के तो देखो, देखो हम शंकर भगवान तुम्हारे सामने हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, विष्णु जी बोल रहे हैं, देखो पुत्र हम तुम्हारे सामने हैं, देखो। ये बेचारा आँख खोल के देख रहे हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों साक्षात वहाँ पे खड़ी हैं और एक बहुत बड़ा शिवलिंग यहाँ पे फटके निकल गया और उस पे झरना की तरह पानी गिर रहा है। ये देखा बेचारा पंडित जी देखें से लटक गए तीनों के पैर में, तीनों के पैर में लटक गए और बोले कि प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका दर्शन हो गया, हम धन हो गए और इससे बड़ा क्या हो सकता है प्रभु, आपका दर्शन से बड़ा, ऐसा कहें। बोले कि ठीक है पुत्र, तुम्हारा जो तू चाहते हो वही होगा और ये जो शिवलिंग है ये तुम्हारा सब कुछ है, और ऐसा कह के अंतर ध्यान हो गए। ये बेचारा कुछ नहीं मांगे और वो जो तीनों साधु थे वो देखने गए कि शायद अब तो मर गया होगा, 7 दिन 7 रात हो गया, आज 8वां दिन बीत रहा है तो वो तो मर गया होगा अनबिना, देख रहे हैं कि सचमुच में वहाँ एक बहुत सुंदर शिवलिंग फटके निकल गया है, फटके निकल गया है और ये बेचारा वहाँ पे पुजारी की तरह बैठा हुआ है। अब इसको खाने पीने का व्यवस्था वहाँ सब कुछ मिल गया है, किसी चीज़ का कमी नहीं है। ये जो तीनों साधु थे जो जाके बोले कि देखो हम बोले थे ना कि भगवान दर्शन देंगे, भगवान दर्शन दिए ना, ये बोल रहे हैं कि देखिए आप मेरे लिए भगवान हैं, आप मेरे दोस्त नहीं भगवान भी हैं, जे आप जो कहें वो हो गया, भगवान मुझे दर्शन दे दिए।
ये बोले कि ठीक है, जब भगवान दर्शन दिए तो मुझे नहीं कहा, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे भी एक दिन होगा। ये तीनों जाके पूरा गांव में इधर उधर हल्ला किए और वहाँ के सब लोग पूजा करने लगे। वहाँ जाके मंदिर में पूजा करने लगे और वहाँ आराधना करने लगे, और जो चढ़ावा चढ़ता था वो इन्हें मिल जाता था। और ये पंडित जी के घर घर ले जाने लगे अपने पूजा कराने के लिए कि ये पंडित जी जो हैं ये भगवान हैं, ये बेचारा तपस्वी हैं, पहाड़ पे नहीं कुछ खाते थे नहीं पीते थे, पता नहीं कब से थे ये भगवान के मंदिर के सामने थे बैठे, और ये बहुत बड़े तपस्वी हैं, ये बहुत बड़ा महान हैं, और अपना घर पूजा करने को लिए ले जाते थे। जो सच्चे मन से पूजा करने को लिए ले जाते थे उनका घर धन हो जाता था, किसी चीज़ का भी कमी नहीं होता था। ये बेचारा सबके घर भी पूजा कराने जाने लगे। कुछ दिन के बाद जब साल 6 महीना हो गया तो अपने घर का ख्याल आया। जब घर का ख्याल आया तो सोचे कि इतना दिन हो गया है, अब थोड़ा घर भी जाएं। लेकिन कोई आदमी कोई आ जाए, इन्हें एक घर दे दिया था, ये धन जमा करके रख रहे थे। जब धन जमा करके रख रहे थे पूरा गाड़ी भर धन हो गया था, चावल गेहूं पैसा कपड़ा लता जो भी था इनके पास बहुत सारा हो गया था। जब बहुत सारा हो गया था ये राजा से बोले कि राजा साहब हम अपना घर जाना चाहते हैं। राजा साहब खुशी खुशी बैलगाड़ी पे सब कुछ लदवा दिए और इन्हें घर भेज दिए। जब ये घर गए तो इनके माता पिता देखें तो बहुत खुशी मिला उन्हें, बहुत खुशी मिला, इतना खुशी कि कहना नहीं है। इनके पत्नी भी बहुत खुश हो गए और ये बेचारा अपना सारा कहानी बताए। जब सारा कहानी बताए तो इनके माता पिता बोले, पत्नी बोले कि ऐसा करो कि हम भी वहाँ जाएंगे भगवान के मंदिर में दर्शन करने, हमें भी ले चलो। ये बोले तो अच्छा बहुत बढ़िया बात है माँ, इससे बड़ा क्या हो सकता है कि आपके हम तीर्थ यात्रा कराएं, चलो। तीर्थ यात्रा के रूप में ये माता पिता को और पत्नी को वहाँ ले गए। उनके माता पिता दर्शन किए और पूजा किए, सब कुछ किए, इनके पत्नी पूजा किए और वहाँ के लोग सब जान गए इन्हें जैसे भगवान को दर्जा देता है, ठीक वहाँ के लोग उसी तरह इनके माता पिता के इस ब्राह्मण देवता के भी दर्जा देने लगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो तीनों साधु थे ये मन में सोचे कि अरे वो भी तो हम लोग की तरह मांगता था, वो तपस्वी वहाँ बैठा दिए, हम लोग बैठाएँ और ये इतना बड़ा आदमी बन गया, इतना बड़ा दर्जा इसको मिला, क्यों ना हम भी कहीं पहाड़ पे जाके और उसी तरह हाथ जोड़कर बैठ जाएं, हमें भी तो बहुत धन मिल जाएगा, चलो। वो तीनों आँख मुन के और बैठ गए। जब पहाड़ पर बैठ गए तो सियार बाघ आके पूरा गरजने लगा, चिल्लाने लगा। ये बेचारा आँख खोल के देख रहे हैं, तीनों तो देख रहे हैं कि अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा बड़ा बाघ हमको आके खाने को लिए तैयार है, अब क्या करें, मेरा पाप तो सब यहीं पर घेर लिया, अब कैसे बचाएं अपने जान को, ये पूरा चिल्लाने लगे। लेकिन वहाँ पर कोई बचाने वाला नहीं था, वहाँ ठीक फिर से उन लोगों के एक साधु का रूप धर के एक शंकर भगवान आए और बोले कि छली कपटी, तुम उस ब्राह्मण को जो सती ब्राह्मण था पुनवानी था उसे मरने को लिए छोड़ दिया था उस जंगल में ऊपर पहाड़ पे, और कपटी तुम रोज देखने जाता था कि मरा है कि जिंदा है और यहाँ पर चिल्ला रहे हो, अब तुम्हारे जी आने वाला कौन है, तुम्हें बचाने वाला कौन है, बताओ कपटी। ये बेचारा हाथ जोड़ के पूरा प्रार्थना करने लगा और बोलने लगा कि महाराज अब हम ऐसा नहीं करेंगे, मुझे जान बकस दीजिए, आज से जो आप कहेंगे वही मानेंगे। भगवान बोले अपना घर जाओ और जाकर मेहनत करके मेहनत के रोटी खाओ, मेहनत के रोटी बनाओ और अपने बच्चे को अपने परिवार को परवरिश मेहनत से करो। जब तो ये नहीं कि ये ढोंग किया वहाँ मांग लिया, ये ढोंग किया वहाँ मांग लिया और उस तरह से अपने गुजारा कर रहा है, आदमी बड़ा बन गया है, नहीं, तुम
एक दरिद्र हो जाओगे, महादरिद्र। इस जन्म में नहीं, अगला जन्म में भी तुम्हें चुकाना पड़ेगा, ऐसा मत करो। वो बोले, तीनों स्वीकार किए और बोले कि महाराज हमें कुछ ऐसा कीजिए कि जिसमें ज्ञान हो जाए। ये बोले ठीक है, प्रतिदिन शंकर भगवान का पूजा करना और तीन सूत्र का पालन करना, गुरु ज्ञान ले लो। तीनों का ज्ञान दिए, तीन सूत्र का पालन करने को लिए बताएं। वो बोले तीन सूत्र का पालन महाराज क्या होता है? ये बोले पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरा सूत्र में चर्चा करना, तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु को प्रणाम करना, सब देवी देवताओं का प्रणाम करना, माता पिता के चरण छू के आशीर्वाद लेना, तब तुम्हें पाप कटेगा। और वो जो तीनों ब्राह्मण थे जो ढोंगी बन गए थे, वो तीनों शिव गुरु का बात मान के और वैसा ही करने लगे। धीरे धीरे उनका भी पाप कट ही गया होगा, वो भी बेचारा कुछ जिंदगी में कर लिए होंगे। इसलिए मेरा वीडियो अच्छा लगे तो गुरु भाई बहन इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।